रूस यूक्रेन युद्ध में ईरान की भूमिका पर शुरुआत से ही सवाल उठते रहे हैं। ऐसी खबरें लगातार आ रही हैं कि ईरान रूस को ड्रोन सप्लाई कर रहा है। हालांकि ईरान ने ऐसा करने से मना किया है, लेकिन अब ऐसी खबर सामने आई है जो ईरान की इस नाना में हाँ हाँ की पोल खोलती है। दरअसल पहले तो ईरान ड्रोन बनाकर रूस को सप्लाई कर रहा था, लेकिन वो इससे एक कदम और आगे निकल चुका है। दरअसल अब ये खुलासा हुआ है कि ईरान पुराने ड्रोन्स रूस को दे रहा है और रूस उनकी दोबारा मैन्युफैक्चरिंग करके इन्हें यूक्रेन में इस्तेमाल कर रहा है। ये मैन्युफैक्चरिंग रूस के स्पेशल इकोनॉमिक जोन में की जा रही है और इस बात की तस्दीक दो मीडिया हाउस प्रोटोकॉल और ज़ोर्तो ने की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरानी ड्रोन्स के कुछ पार्ट्स तो रूस में ही लोकल लेवल पर बनाए जा रहे हैं, जबकि कुछ पार्ट्स ईरान रूस को सप्लाई कर रहा है और रूस अगले 2 से 3 सालों तक इन ड्रोन्स का प्रोडक्शन पूरी तरह से ऑटोमेटिक तरीके से करने वाला है। दोनों मीडिया हाउस को सूत्रों ने यह भी बताया कि इसके लिए रूस और ईरान के बीच एक डील भी हुई है और इस डील पर रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने साइन किए हैं और इसे रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के पास भेजा गया है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान रूस के बीच ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग को लेकर करीब 13 लाख से 15 लाख डॉलर की डील हुई है। इस डील के अलावा रिपोर्ट में यह भी खुलासा हुआ है कि रूस के अलाबुगा इकोनॉमिक जोन में करीब 70 ईरानी शहीद ड्रोन असेंबल किए गए हैं और इन ड्रोन्स को लेकर मार्च 2023 में ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय ने कहा था कि रूस ने करीब 71 ड्रोन यूक्रेन पर दागे थे और मार्च के ही महीने में अलाबुगा स्पेशल इकोनॉमिक जोन के कई वरिष्ठ मैनेजर ईरान गए थे और इनका मकसद 200 रूसी विशेषज्ञों की ट्रेनिंग था जिन्हें ईरान द्वारा इन ड्रोन्स को बनाने की ट्रेनिंग दी जानी थी। और इसी को लेकर पिछले महीने अमेरिका ने भी अलाबुगा की कुछ सैटेलाइट की तस्वीरें जारी की थी और कहा था कि ईरान यहां पर एक ड्रोन फैक्ट्री लगाने वाला है जो साल 2024 के शुरुआत में चालू हो सकती है।